रही है ठीक है ठीक है। यस नौ फैमिली के बाद ये होगा। होली के बाद एक को है सी ओ दिस इज देखो ये जो लिखा हुआ है ये अलग है और ये अलग यस है, तो इसका अलग अलग फॉर्मेट है लिखने का नाम है चलो ठीक है। कौन तो हम लोग इस फैमिली तरीके से फॉन्ट फैमिली यूज करके एचटीएमएल का जो एलिमेंट है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैम, जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज किया है तो वहां से हम लोग बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं ना। तो एकदम हमें बैकग्राउंड स्लैश वहां पे इमेज IMG डालना पड़ेगा। ओके हाँ मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया फिर ये जो हम लोग का जो आ रहा है ये तो देखो साइड में आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इनको मिडिल में लिखेंगे, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा। सपोर्ट फिक्स अलाइन देना है, फिक्स अलाइन ओके यहाँ पर देखो आया है तीन चीज मिडिल में, तो यस टेक्स्ट अलाइन को हम लोग सेंटर में पोजीशन दे सकते हैं, तो कैसे करके ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर जस्ट वन मिनट। अच्छा हेलो, हाँ इफ आई वांट टू सेंटर अ स्टाइल इनसाइड हेड वन हेडिंग वन स्टाइल एट्रीब्यूट, सो व्हाट शुड आई हाँ डू हो व्हाट सकता शुड वी डू? है, ये तो H1 स्टाइल अलाइन
सेंटर हुआ है प्रिया? यस 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 दैट्स परफेक्ट जस्ट वन मिनट हेलो ओके तो नेक्स्ट क्या करना है फिर हम लोग करेंगे सपोज हम लोग को ये टेक्स्ट ये जो हम लिखे हैं इनको हम लोग को बोल करके लिखना है तो क्या करना पड़ेगा ये चीज मैं एक बार जस्ट कर रही हूँ पता नहीं है बी बोल टैग के लिए हम लोग बी टैग यूज करेंगे ओके रेड पैराग्राफ क्या हुआ ना थोड़ा बोल्ड हुआ एंड डार्क हुआ ओके तो बोल के लिए हम लोग बी टैग यूज करेंगे मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा इन लोग एक्चुअली टैग का यूजेस इन लोग को दिखा रहा है जस्ट बोल जैसे यूज हुआ मैं यहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं ठीक है स्ट्रॉन्ग टैग यूज करोगे तो सेम चीज ही होगा जस्ट ये थोड़ा सा साइज बड़ा होगा एंड थोड़ा योर साउंड इज नॉट क्लियर Your voice is breaking. Hello? Priya, कुछ समझ में नहीं आ रहा
वॉइस इज ब्रेकिंग. तो बोल सकते हो क्या लिखा है प्रिया? मेरा सॉरी सॉरी बट कैन आई यूज टैग फॉर इटैलिक सिमिलर बोल्ड? यस प्रिया, यू यूज फॉर इटैलिक टैग लाइक तुमको वहां पर आई यूज करना होगा इटैलिक टैग के लिए. ओके, इटैलिक टैग के लिए तुमको जस्ट आई एलिमेंट यूज करना होगा. बोल्ड के लिए तुम जस्ट बी यूज कर रहे हो, इटैलिक टैग के लिए आई एलिमेंट यूज करना होगा. क्लियर प्रिया? ओके, स्कैन करके देखते हैं. प्रिया योर वॉइस इज टोटली ब्रेकिंग. मेरे को देखो यहाँ पर रेड पैराग्राफ मैं इटैलिक टैग यूज किया हुआ, यहाँ पर रेड पैराग्राफ जो लिखा हुआ वो इटैलिक से लिखा हुआ है. ओके, इटैलिक टैग के लिए हम लोग आई, इटैलिक पैराग्राफ के लिए हम लोग आई टैग यूज करेंगे. नेक्स्ट इज ईएम. ईएम मतलब एम्फसाइज. ओके, तो एम्फसाइज टैग के लिए हम लोग ईएम टैग यूज करेंगे. तो ये है तुम्हारा एक्चुअली बहुत सारा टैग लाइक बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज, स्मॉल, मार्क, डेल, बहुत सारा यूजेस है इन्हें जस्ट ये. यहाँ पर देखो एक चीज की एक्चुअली क्यू भी डल सकते हैं. तो क्यू किस चीज के लिए यूज होता है? क्यू है कॉमेंट के लिए हम लोग करेंगे. देखो हम लोग को इस तरीके से यूज करना क्या है. सपोज दिस इज अ कॉमेंट. तो क्या है कमेंटर? नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र. ओके, देखो स्टाइल एट्रीब्यूट एक्चुअली कमेंट, बट ये हेडिंग के लिए नहीं, जस्ट इट इज यूज फॉर कमेंट टैग. ओके, कमेंट टैग सपोज हम लोग जब एक कोड लिख रहे हो तो उसका हम लोग को जरूरत नहीं है. तो क्या करना होगा, वो कमेंट टैग के अंदर डालना पड़ेगा. तो कमेंट टैग तो एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होता, सो दैट्स व्हाई हम लोग कमेंट टैग यूज करेंगे.
तो नेक्स्ट है बहुत सारा कलर यूज होता है लाइक सपोज मैं यहाँ पर यूज किए है सपोज जब हम लोग यूज किए रेड तो क्या लिखेंगे हम लोग पीस स्टाइल यहाँ पर कलर सपोज कलर देन रेड देन यहाँ पर एक एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट लिखा हुआ तो एचटीएमएल एलिमेंट का रेड कलर होता है फिर मैं ब्लू लिखा हुआ फिर सेमी एलिमेंट डाल रहा है फिर नेक्स्ट पैनल में क्या होता है वो एलिमेंट का कलर ब्लू होता है तो कलर टैग हम लोग वो एच पी स्टाइल बोल के हम लोग लिखेंगे जो कुछ भी है कलर टैग है या फिर सपोज साइज है तो हम लोग एच वन स्टाइल बोल के वो एक्चुअली यूज करना है ओके कलर टैग हम लोग नाम नेम एक्चुअली डायरेक्ट भी लिख सकते हो अदरवाइज तुम लोग को लिखना होगा आरजीबी सपोज रेड कलर डाल लो तो कलर कोड होता है आरजीबी कलर कोड बोला है तो नेम में ही हुई है आरजीबी तो रेड कलर के लिए हम लोग कौन सा कलर कोड यूज करेंगे 255.0.0 दैट इज द व्हिच suppose h1 style suppose background long color suppose rgb तो रेड का कलर कोड क्या है 250.0 देखो आरजीबी मतलब वो रेड कलर का आरजीबी कोड ये है सो दैट्स व्हाई बैकग्राउंड कलर रेड आया ओके व्हाट इट समझ में आया हेलो ये तो समझ में आ गया एक बार एम्फेसिस जो टैग है ना एक बार वो क्लियर कर दोगे और एक बार कौन सा कौन सा हाँ बोलो कौन सा पार्ट एम्फेसिस टैग समझ में नहीं आया uses of emphasis tag emphasize मतलब जो मैं बोल ले रही हूँ देखो क्या है emphasize के लिए वो लिखने का एक तरीका है जो इटालिक है बोल्ड है एम्फसाइज के लिए हम लोग ई एम
देखो ये एम्फासाइज लिखने का एक तरीका है। इटैलिक का जो एक था शायद वो एक एक लिखने का वर्जन है, एम्फासाइज है, बोल्ड है, इटैलिक है, स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल है, ठीक है, समझ में आया संजीता? अच्छी तरह मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था और फिर मैंने फिर से ज्वाइन। हेलो नेटवर्क डिस्कनेक्ट, ये है एम्फेसिस टैग का आउटपुट। तो दिस इज द एक्चुअली जो तुम टेक्स्ट कर रहे हो उनका एक वर्जन होता है। तो दिस इज द वर्जन, सपोज तुम इनको बोल्ड करना चाहते हो तो तुम क्या टैग यूज करोगे? बी। क्या तुमको स्मॉल करना है तो क्या टैग यूज करोगे? स्मॉल। फिर इटैलिक लिखना है आई, एम्फेसिस के लिए ई एम। तो दिस इज द एक्चुअली लिखने का वर्जन। ओके तो इतना तक तुम लोग को बोलो कौन सा चीज एक्चुअली समझ में नहीं आया वो चीज क्लियर करो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊँ। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके नाउ आई एम ऑडिबल? यस प्रिया। यस यस समझ में आ रहा है ना? यस मैम आई गॉट इट। संजीता हेलो, हाँ समझ में आया? उनका नेट प्रॉब्लम है। सैम सुब्रो दास? यस मैम। ओके आई थिंक साहबू जोसिन का माइक सेटिंग नहीं हुआ है, पता नहीं। ओ अच्छा अच्छा दोनों अकाउंट में ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट क्या है? फिर मैं नेक्स्ट दिन किंतु उन लोग को करना है। ओके तो कलर कोडिंग बहुत सारा होता है, तुम कलर कोडिंग 8GB में लिख सकते हो, लाइक हेक्सा कोड में भी लिख सकते हो, और तुम लोग डायरेक्ट भी नाम भी लिख सकते हो, ठीक है? तो एक चीज देखो, स्टाइलिंग HTML with CSS, ठीक है? HTML के अंदर हम लोग CSS भी यूज करेंगे। तो CSS का स्टाइलिंग HTML के अंदर जो CSS का फुल फॉर्म क्या है, मैं CSS नहीं स्टार्ट किया हूँ बट HTML के अंदर तो यूज होता है ना, तो दैट्स व्हाई। तो CSS का CSS तीन टाइप का होता है। तो कैसे कैसे यूज होता है? इनलाइन होता है, इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल होता है। ओके इनलाइन क्या है, मैं यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लिखा हुआ है, दिस इज द कॉल एक्चुअली इनलाइन। ओके इनलाइन एंड जब हम लोग हेड के अंदर स्टाइल टैग डालोगे फिर सीएसएस का कोड लिखना है तो दिस इज कॉल एक्चुअली इंटरनल।
एंड एक्सटर्नल क्या है, पूरा सीएसएस कोड को मैं अलग पेज में सीएसएस फोल्डर में लिखा हुआ है, तो दिस इज द कॉल एक्चुअली एक्सटर्नल. दिस इज द इनलाइन, इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल है एचटीएमएल सीएसएस. ओके, this body and this heading है. तो क्या करेंगे, स्टाइल बोलते हैं बॉडी. फिर क्या करना है, जस्ट लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर सपोज लाइट ब्लू जो है वही डाला. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, सपोज कलर इज. ओके, नेक्स्ट क्या है, की टैग है. क्या करना होगा टाइप, क्या क्या बोलेंगे, कलर ब्लू सेट रन द पेज. Why is this that? Yes, yes. So this is called the actually internal. Okay. और एक्सटर्नल क्या है, मैं इस स्टाइल कोड को अलग से एक सीएसएस फोल्डर में सीएसएस पेज क्रिएट करके डालूंगी, तो ये कोड डालूंगी. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे एक लिंक देना है मेरे को. तो दिस इज द कॉल एक्चुअली एक्सटर्नल, वो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग सीएसएस को करेंगे. और एक बार बोलो क्या बोले, लाइन दिस इज द कॉल एक्चुअली इंटरनल. इनलाइन जो मैं बॉडी के अंदर लिखा हुआ था, दिस इज द कॉल एक्चुअली इनलाइन, दिस इज इंटरनल. और एक्सटर्नल क्या है, पूरा इस स्टाइल कोड को हम लोग जब एक अलग सीएसएस पेज में लिखूंगा ना, तब वो एक्सटर्नल होता है. यहाँ पर वो सीएसएस का लिंक देना पड़ता है, तो दिस इज द कॉल एक्चुअली एक्सटर्नल सीएसएस. समझ में आया? Yes, yes, I understood. लिंक तो मैं बोल दिया तुम लोग को कैसे लिंक करना है, हाउ टू क्रिएट ए एचटीएमएल लिंक. एक्चुअली इमेज भी हो गया. तो फिर हम लोग करेंगे HTML tables, how to create a HTML tables.
ओके ओके जस्ट ओके तो एचटीएमएल टेबल का क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एक टेबल नाम लेंगे, टेबल बोल के एक टैग लेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग को टेबल टैग यूज करना होगा। टेबल के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज यूज करते हैं। सपोज टेबल के अंदर हम लोग टेबल हेडिंग भी देते हैं, टेबल रो भी डाल सकते हैं, टेबल डेटा भी डाल सकते हैं। तो दिस चीज के लिए हम लोग कैसे कैसे एक्चुअली कौन सा टैग यूज करेंगे ना, टेबल हेडिंग के लिए हम लोग टी एच ऐड करेंगे, टेबल रो के लिए हम लोग टी आर ऐड करेंगे, ओके, एंड टेबल डेटा के लिए टी डी। तो फर्स्ट हम लोग टेबल के अंदर एक जस्ट टेबल रो टैग यूज कर रहे हैं। फिर क्या है, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग ले रहे हैं। टेबल हेडिंग के अंदर हम लोग क्या है, सपोज फर्स्ट है फर्स्ट नेम, कंप्लीट द टीएच। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज टीएच लास्ट नेम, कंप्लीट द टैग। नेक्स्ट इज TH, suppose email, complete the tag. Next is mobile number, so this is the table heading, so in the table row tag. फिर next क्या है, हम लोग को table data डालना पड़ेगा, तो फिर हम लोग को table row देना है। फिर क्या करेंगे, हम लोग टेबल डेटा डालेंगे। तो क्या है, फर्स्ट डेटा क्या है, हम लोग को फर्स्ट नाम देना होगा। सपोज फर्स्ट मैं डाल रही हूँ रीता, क्लोज द टेबल डेटा। नेक्स्ट टेबल डेटा टैग स्टार्ट हुआ, फिर क्या है, लास्ट नेम घोसल, क्लोज द टैग। नेक्स्ट क्या है, ईमेल, तो ईमेल क्या है, अर्पिता डॉट टीसीएस ग्लोबल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, ओके, क्लोज द टैग। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर 9874885814, क्लोज द टैग। फिर क्या है, टेबल रो में इज फिर सेव, ये फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। Just run the page. देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल नंबर आ गया, बट एक चीज देखो यहाँ पर जस्ट कैसे लग रहा है, मैं इसको अलग तरीके से टेबल बॉर्डर नहीं दिया और जस्ट दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करना होगा, तो हम लोग को टेबल बॉर्डर एंड टेबल हाइट विड्थ डालना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, टेबल बॉर्डर हाइट एंड विड्थ डालने के लिए हम लोग को स्टाइल टैग यूज करना होगा और हम लोग को सीएसएस यूज करना होगा। तो फिर क्या है, मैं और एक डेटा डाल रही हूँ, ओके, सो नेक्स्ट और एक जोन का डेटा डाल रही हूँ। सपोज सी आर टी डी, सपोज प्रिया, फिर क्या है, ईमेल आई डी प्रिया डॉट प्रिया,
क्लोज होता है। नेक्स्ट चीज क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सपोज कंप्लीट है टेबल को सेट। तो फिर क्या है, हम लोग को स्टाइल टैग के अंदर क्या देना है, सपोज टेबल, सॉरी टेबल, टेबल के अंदर हम लोग क्या है इसे टी एच एंड टी डी। तो क्या है, हम लोग को बॉर्डर लेना होगा, बॉर्डर बॉर्डर सपोज वन टी एक सॉलिड ब्लैक रन द पेज। देखो यहाँ पर बॉर्डर आ गया, फिर देखने में अच्छा लगा। तो एक्चुअली सीएसएस एक्चुअली यूज फॉर डिजाइन पार्ट। ओके, तो हम लोग किस तरह से एचटीएमएल में डेटा और टेबल क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज क्लियर नाउ? यस मैम। तो नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट, हाँ प्रिया बोलो। एक्चुअली योर वॉइस इज टोटली ब्रेकिंग, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, चैट में भी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट चीज हम लोग कैसे लिस्ट क्रिएट करें। तो लिस्ट क्रिएट करने का, लिस्ट इज एक्चुअली टू टाइप, वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनदर वन इज ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है एंड ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना है। सपोज मैं फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग टैग यूज करेंगे यूएल। ओके, एंड लिस्ट एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे एल आई। एंड क्या है अनऑर्डर लिस्ट, फिर हम लोग करेंगे ऑर्डर लिस्ट ओ एल। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग ओ एल टैग यूज करेंगे।
फिर ऑर्डरलिस्ट का टैग and run. देखो दिस इज द एक्चुअली अनऑर्डर लिस्ट एंड दिस इज द एक्चुअली ऑर्डर लिस्ट. सपोज तुम चाहते हो कि पर 1, 2, 3, 4 की जगह तुम ए बी सी डी लिखोगे तो क्या करना होगा. जस्ट ओ एल टाइप इक्वल्स टू ए. Save the page and run it again. आया ए बी सी डी. तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अनऑर्डर लिस्ट. और एक चीज देखो सपोज तुम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना होगा लिस्ट के अंदर. तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे. डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट तो डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या डालेंगे. डी टी सपोज मेरा नेम अर्पिता. ओके तो मेरा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली क्या है. डिस्क्रिप्शन डी डी जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. फिर और एक डिस्क्रिप्शन टेबल ले रहे हो सपोज डी टी. ओके डी टी फॉर डिस्क्रिप्शन डेटा. डी डी हाँ डी डी फॉर डिस्क्रिप्शन डेटा. ओके ओके नेक्स्ट सपोज तुम्हारा नाम है प्रिया. ये डिस्क्रिप्शन डेटा क्या है तुमका तुम्हारा. And run it again. Thank you.
देखो अर्पिता, मेरा डिस्क्रिप्शन डेटा क्या है, जूनियर सॉफ्टवेयर प्रिया क्या है, ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके समझ में आया? तो ये हुआ तुम्हारा एक्चुअली लिस्ट का एग्जांपल, एक्चुअली अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर सपोज बहुत सारा भी लिस्ट होता है, अदर्स लिस्ट होता है, लाइक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बोल दिया, सपोज यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट, एलआई जो इज होता है लिस्ट के लिए, डीएल इज फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डीटी एक्चुअली डिस्क्रिप्शन टेबल एंड डीडी एक्चुअली डिस्क्रिप्शन डेटा, ओके। तो ये गया तुम्हारा लिस्ट का कंप्लीट, इतना तो समझ में आया? Yes, yes. Clear. Any doubt, please say. Next दिन तुम लोग सब जो मैं कवर किया उस लिस्ट तक सब कुछ बोल दिया तुम लोग को, उस चीज पढ़ के आना, क्योंकि मैं फर्स्ट तुम लोग को एक्चुअली पिछले क्लास के बारे में क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँ, ओके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर। तो फिर क्या है, एचटीएमएल ब्लॉक अलाइनमेंट, जो डीआईबी एक्चुअली यूज फॉर डेविएशन, तो बहुत सारा यूज होता है, बट उसमें तो स्टाइल जानना पड़ेगा, तो मैं ये चीज बात नेक्स्ट दिन में करूंगी। तुम लोग को सीएसएस मैं टेबल्स का तुम लोग को कवर किया, ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मैं जस्ट सीएसएस का बेसिक पार्ट कवर करूंगी, फिर मैं एचटीएमएल जो क्लास एट्रीब्यूट है उसमें बैक, ठीक है, एक्चुअली फिर जो ये है तो उसमें एक्चुअली हम लोग को सीएसएस यूज करना है। ताबूज का क्या ये माइक खराब है क्या? सबके पास आई थिंक इक्लिप्स है, जो मैं किया हूँ जो जो वो प्रैक्टिस करके आना, बोलो। Yes, ma'am. I have Eclipse. Okay. So, एक चीज मैं टेबल तक तुम लोग को कवर किया, ठीक है, बहुत बेसिक है, फिर नेक्स्ट है तुम, मैं नेक्स्ट दिन जो करूंगी वो है क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, तो क्लास एट्रीब्यूट बहुत सारा होता है, लाइक डीआईवी यूज होता है, स्पैन यूज होता है, एड्रेस भी यूज होता है, तो डीआईवी यूज होता है एक्चुअली, डीआईवी एक्चुअली डेविएशन के लिए यूज होता है, तो डेविएशन के लिए सपोज मैं यहाँ पर मैं अर्पिता एंड अर्पिता एंड प्रिया लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर जस्ट डीआईबी क्लास नेम ले रही हूँ, ओके,
तो फिर एच वन में अर्पिता डाल रही हूँ एंड अनदर डीआईबी क्लास नेम में एच टू में सिया का नाम डाल रही हूँ, तो क्या आएगा जो अर्पिता का एंड अर्पिता का डिस्क्रिप्शन है वो अलग तरीके से आएगा एंड प्रिया का एंड प्रिया एंड प्रिया का जो डिस्क्रिप्शन है लाइक ट्रेनिंग सपोर्ट डेवलपर वो अलग आएगा। तो डेविएशन का यही काम है, तो जस्ट मैं थोड़ा सा तुम लोग को बोल के रखा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट दिन तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये चीज। ओके जस्ट अ मिनट। तो तुम लोग को तो समझ में आ गया आई थिंक जो मैं सर टेबल लिस्ट तक कवर किया हूँ। तो एक चीज करो, मेरे को बताओ समझ में जो तो आ गया तो एक एक करके एक चीज शेयर करो और मैं बोल रही हूँ वो चीज करो। संजीता के पास शायद इक्लिप्स नहीं है ना, संजीदा तुम्हारे पास इक्लिप्स है? नहीं नहीं मैम नहीं। सैमसंग ब्रो तुम्हारा पास? हाँ मैम अच्छा। तो अभी खुला हुआ है इक्लिप्स? हाँ खुला नहीं। तुम लैपटॉप से नहीं कर रहे हो? मैं तो फर्स्ट ही तुम लोग को पूछा, तुम लोग को पास लैपटॉप से बैठा हुआ नहीं है। मैम नेक्स्ट डे थे कॉपी कर दी मैम सब आता था। ओके ओके आई विल सी। तुम फोन से कनेक्ट हो या फिर लैपटॉप से? मैम फोन से। प्लीज नेक्स्ट दिन से लैपटॉप से कनेक्ट करना। ओके मैम। प्रिया मैम हेलो। हाँ लैपटॉप से कनेक्ट किया हो? हाँ लैपटॉप से कनेक्ट किया। ओके तो प्लीज लेकिन आई एम नॉट यूजिंग इक्लिप्स राइट नाउ बिकॉज़ मेरा एक प्रॉब्लम होता है जब भी जूम मीटिंग में ऑन करती हूँ उसमें इक्लिप्स बंद हो जाता है बार बार एंड नॉट वर्किंग आल्सो क्रोम हैंग होता है। क्रोम नहीं यूज है, इंटरनल ब्राउजर तो यूज होता है ना। व्हाट इंटरनल ब्राउजर? इंटरनल ब्राउजर मतलब वो इक्लिप्स में डन करेगा। ओके तुम फोन से कनेक्ट किए हो या फिर लैपटॉप से कनेक्ट? मैम बोथ बिकॉज़ लैपटॉप का ऑडियो काम नहीं कर रहा था। ओके सो तुम्हारे पास इक्लिप्स है आई थिंक सो। मैम यू हैव एन इक्लिप्स? इंस्टॉल नहीं मैम। इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके इक्लिप्स या फिर नेटबीन्स जो पसंद है वो इंस्टॉल करो। नेक्स्ट दिन से मैं किसी का ये एक्सक्यूज नहीं सुना। ओके फर्स्ट तुम लोग को करना होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाओ अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास। ओके
बंद हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट ये करना होगा तुम लोग को, क्या क्या समझ में आया क्या नहीं आया। मैं बार बार बोल चुका हूँ क्या क्या, मेरे को पता है तुम लोग को समझ में आ गया, बट एक चीज पता है तो जब तुम लोग करोगे ना, ये बहुत इजी है ये, ठीक है, बट जब करोगे ना ये एरर खाएगा। ये इजी है थोड़ा, ये तो हो जाएगा, बट सपोज तुम ये चाहते हो कि एक टेबल क्रिएट कर दे हो, टेबल के साथ तुम चाहते हो एक इमेज भी डालोगे और एक लिंक भी डालोगे, तब एरर खाओगे। तो ये चीज तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबका एक प्रैक्टिस होता है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। Yes, ma'am. So please next screen say so you know how to download Eclipse? Yeah. Okay, no problem. So main hot chips cover karungi aur itna dur tak rahega bolo. बोलो और क्या। मैं नेक्स्ट चीज जो HTML आईडी है वो आई फ्रेम्स है और फिर HTML जावास्क्रिप्ट है। स्टार्ट करूंगी वो चीज। एक्चुअली इसके HTML जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करने का कोई ये नहीं है, और मैं जावास्क्रिप्ट का वो पूरा एक दो सेशन चाहिए तब तुम लोग का जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा। तो हाउ टू क्रिएट अ लेआउट, चलो ये चीज करेंगे हम लोग। मैं सीएसएस तुम लोग को नेक्स्ट दिन से चाहते हैं कि स्टार्ट करूंगी। एक्चुअली बहुत सीएसएस लगेगा, दैट्स व्हाई मैं तुम लोग को ये जस्ट जो मैं कवर किया अभी तक, तो चाहते हैं कि तुम लोग कर सकते हो। तो फिर मैं नेक्स्ट दिन फर्स्ट से सीएसएस स्टार्ट करूंगी, फिर मैं एचटीएमएल में बैक आ अदरवाइज तुम लोग को सीएसएस पढ़ना होगा। तो दैट्स व्हाई मैं न्यू चीज नहीं जा रहा। बोलो क्या करेंगे। रिस्पांस प्लीज मैम, स्टार्ट इन नेक्स्ट मैम, बिकॉज़ आई विल इंस्टॉल द इक्लिप्स। नेक्स्ट दिन मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, पता है। तो सब सब कोई इक्लिप्स चाहिए, लैपटॉप में बैठना होगा, फोन में नहीं। हाँ ये हो सकता है तुम्हारा फोन में, तुम शायद तुम्हारा लैपटॉप में माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है तो तुम फोन में कनेक्ट कर सकते हो, रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ तो मैं बोल चुकी हूँ, बट लैपटॉप में करना होगा नेक्स्ट दिन से, ये बोल रहे हो, ये जस्ट बोल रहे हूँ मैं। ओके तो एक चीज बताओ, तो HTML तो तुम लोग को समझ में आया, तो मैं तो इतना कुछ बोला, व्हाट इज मेटा? प्लीज रेस्पॉन्स, व्हाट इज मेटा? मेटा यूज होता है कैड सेट जो सर कैड सेट जो यूज हुआ है, इसलिए मेटा यूज होता है। सेट ऑफ डेटा, जिस चीज के लिए विजिबल होता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली मेटा डेटा। समझ में आया? फिर मेरे को पढ़ाना ही बेकार है मैं। ओके सो व्हाट इज डॉक टाइप एचटीएमएल? डॉक टाइप एचटीएमएल किस लिए यूज होता है? डॉक टाइप एचटीएमएल फॉर डॉक्यूमेंट, मतलब
कहाँ से स्टार्ट करें, डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप बताना पड़ता है। मैं तो ये पर मैं चाहते हैं कि टेबल के अंदर लिस्ट क्रिएट करूंगी, वो हो सकता है क्या? टेबल के अंदर लिस्ट, टेबल के अंदर लिस्ट, यस मैम इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। ओके, वो तो समझ में आया ना। मैं यहाँ पर देखो रेड कलर लिख सकते तुम लोग, हाँ हाँ एक चीज देखो, जस्ट मैं एक चीज तुम लोग को बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर रेड कलर यूज किया है तो मैं जस्ट सपोज स्टाइल देन कलर रेड डाला हुआ ये चीज यूज किया और फिर मैं आरजीबी कोड भी यूज किया, तो जो रेड का आरजीबी कोड है, फिर रेड का हेक्सा कोड भी है, तो सब कलर का हेक्सा कोड है, ठीक है, तो वो भी यूज होता है सीएसएस में, अदरवाइज बूटस्ट्रैप में। तो तुम लोग जब डिजाइन करोगे तो उस टाइम तुम लोग को वो रेड सपोज कोड लग सकता है, तो तुम लोग एक बार वो कलर कोड नेट में देख लेना, ठीक है। उतना तो पॉसिबल नहीं है मेमोराइज करना, बट स्टिल कैसे यूज होता है एक्चुअली वो चीज देखना। एक्चुअली तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगी ना तो तुम लोग को ये करना ही पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई मैं एक्चुअली बोल देता हूँ। और इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इमेज करना है हम लोग को इमेज, यस सोर्स इमेज करके टैग, यस मैम यूज द आईएमजी, यस सोर्स इमेज आईएमजी। And we can use also alternate image name. Alt attribute, it means. But एक चीज तुम ना मैं मेरे को तो ये तुम्हारे की problem होच्छे, तुम्ही की एक बार share करे देखाते पारबे। बुझलाम ना। बोलना तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो उनसे वो इक्लिप शेयर करने के बाद वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो तुम एक बार दिखा सकते हो क्या? ओके जो जो फोन से कनेक्ट किए वो लैपटॉप खोलो, फिर ये प्रैक्टिस करो, फिर मैं तुम लोग को छोड़ूंगी। Yeah, say are you skin? Wait, I have to open first. तुम लोग को तो इतना समझ में आना चाहिए ना, ये एक्चुअली टेक्निकल क्लास हो रहा है, तुम लोग मोबाइल से कनेक्ट किए हो, ये बहुत अजीब बात है एक्चुअली। एंड यू आर ऑल फ्रॉम सीएससी एंड आईटी बैकग्राउंड, तो यू नो एक्चुअली टेक्निकल सेशन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो तुम लोग को चाहे ना नेक्स्ट दिन से तुम लोग लैपटॉप या फिर तुम लोग को पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में ज्वाइन करो या फिर लैपटॉप में,
फोन इज नॉट अलाउड. मैं तुम लोग को नेक्स्ट दिन फर्स्ट मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी. फर्स्ट तुम लोग ये मैं जो किया है मैं तुम लोग को क्वेश्चन करूंगी और फिर तुम लोग को प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी. ठीक है. और एनी प्रॉब्लम मैसेज इन द ग्रुप मैं रिप्लाई करूंगी सब. अवेलेबल मैं सुबह 10 से रात 8 बजे तक जो प्रॉब्लम होगा बोलना. मैं ट्राई करूंगी तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. क्या ओपन हुआ? हाँ मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी. ओके मैं स्टॉप से नहीं किया इसलिए तुम्हारा. अच्छा ओके ओके नाउ इट्स विजिबल. इज इट विजिबल? यस यस इट्स विजिबल नाउ. ओके ओके प्रिया एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो फिर उसके अंदर एक आई एम डूइंग या वेब आइनेक्स के अंदर नहीं वेब कंटेंट के अंदर लो वेब कंटेंट के अंदर क्रिएट करो. Just take image. Okay, me actually. Oh, sorry. List create कर रहे हो? हाँ, list में. Okay, करो list create. Thank you.
is visible? My No, your browser is not visible. Okay. I think I can share full screen. Now it's visible? Yes. Okay. Oh, yeah. If I'm doing again and again, so it's getting a hit and problem over there. पूरा हैंग हो जाता है इसलिए व्हाट शुड आई डू आई थिंक आई हैव टू वॉच योर सेशन फ्रॉम माय फोन एंड आई शुड यूज इक्लिप्स only in a laptop. Okay. Actually, मेरा भी होता है तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी मैं जब क्लास कर रहते हो तो मेरा क्या होता है हाँ तो ये होता है बट करने का तो कुछ नहीं है I'm not using, but next day I will use. Okay, कोई problem है तो. But मुझे फोन से देखना पड़ेगा क्योंकि फोन से अगर मैं हाँ तुम फोन से देख सकते हो ये कोई बात नहीं है but तुमको ये actually practice करने के time तो ये लगेगा ना. Yes, that is very good to practice. Okay. Thank you. So should I stop? So you stop your screen. So बाकी जो है like Ayushi and तुम सभी लोग को मैं बोलता हूँ नेक्स्ट दिन से ऐसे तरीके से करना होगा ठीक है अदरवाइज मैं नेक्स्ट ऑल आर जॉइनिंग एक्चुअली लैपटॉप नॉट फोन मतलब फोन से कनेक्ट कर सकते हो इफ तुम्हारा प्रॉब्लम बट लैपटॉप रहना चाहिए बिकॉज मैं तुम लोग को ये प्रैक्टिकल करना होगा मैं फिर मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊंगी ठीक है ओके पढ़ के आना सब ओके तुम लोग लीव कर सकते हो फिर नेक्स्ट क्लास थर्सडे सेम टाइम ओके इफ ओके थैंक यू एंड देन ओके बाय थैंक यू ओके बाय एवरीवन बाय थैंक यू